हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ध्यान रखने योग्य बातें एक बार जरूर पढ़े। नंबर एक, बॉडी स्क्रबिंग के लिए बेसन बहुत ही बेहतरीन और नेचुरल चीज़ है। नहाने से पहले बेसन में चुटकी भर हल्दी पाउडर और कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे बॉडी पर हल्के हाथों से रगड़े, जिससे डेड स्किन निकल जाती है और स्किन चमक उठती है। नंबर दो, भुने हुए चने खाने से शरीर में पूरा दिन ताकत बनी रहती है और यह दिमाग और आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नंबर तीन, आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा देसी घी जरूर मिलाना चाहिए। इससे रोटियां पौष्टिक बनती हैं और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। नंबर चार, काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और प्रतिदिन एक कप दूध के साथ दिन में दो बार सेवन करें। इसके सेवन से दिमाग की कमजोरी दूर होती है। नंबर पाँच, रात को 8 से 10 मुनक्का पानी में भिगोकर रख दे, सुबह निकाल कर अच्छे से चबाकर खाए। इस प्रयोग से शरीर में खून बढ़ने के साथ ही खून भी साफ होता है। नंबर छः, जब किसी को चोट लगती है या घाव होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे खून भी निकलता है। ऐसी परिस्थिति में घाव को फिटकरी के पानी से धो देना चाहिए और उसके ऊपर फिटकरी का चूर्ण बनाकर लगाना चाहिए। ऐसा करने से चोट से बहने वाला खून बंद हो जाता है तथा राहत मिलती है। नंबर सात, जो व्यक्ति दांतों पर राख लगाता है उसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। नंबर आठ, कोई भी सब्जी बनाते समय उसमें थोड़ी सी भुनी हुई काली मिर्च जरूर डालें। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और पेट को भी स्वस्थ रखती है। नंबर नौ, दही जमाने से पहले बर्तन में, जिस बर्तन में दही जमाना हो उसमें थोड़ी सी फिटकरी का चूर्ण डालें। इससे दही गाढ़ा जमता है और खट्टा भी नहीं होता। नंबर दस, प्याज को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि नमी के कारण प्याज खराब हो जाती है। नंबर ग्यारह, सरसों के दानों को पीसकर शहद के साथ चाटने से कफ और खांसी समाप्त हो जाती है। नंबर बारह, बचपन से अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो हड्डियां भी कमज़ोर होगी। बचपन से ही बच्चों को उचित मात्रा में पानी पीने की आदत डालें। नंबर तेरह, मोटापा घटाने के लिए भोजन में गेहूं के आटे की जगह जौ के आटे की रोटी का प्रयोग करें। नंबर चौदह, रोज़ 1 घंटा हंसने से 400 कैलोरी खपत होती है, जिससे मोटापा भी काबू में रहता है। नंबर 15, अगर आपको दाद हो गया हो तथा जिसमें बहुत खुजली होती है, पीड़ा होती है, ऐसे करने पर थोड़ी सी तुलसी की पत्तियों में 1 चम्मच नींबू का रस डालकर पीस ले। प्रतिदिन लगाने से दाद की परेशानी ठीक हो जाती है। नंबर 16, कुछ लोग हड़बड़ी में, दूसरे शब्दों में, बहुत ही तेज़ी से भोजन करते हैं। ऐसे लोगों में मोटापा बढ़ने का खतरा 3 गुना अधिक होता है। नंबर 17, भोजन हमेशा शांत वातावरण में ही करना चाहिए। ऐसा करने से हम आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। नंबर 18, अक्सर कई लोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दही डाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, आप सब्जी में दही मिला रहे हैं तो दही को सब्जी में मिलाकर पहले उबाल लीजिए, उसके बाद सब्जी में नमक डालकर मिलाएं, क्योंकि पहले सब्जी में नमक डालने से दही फट जाता है। नंबर 19, सब्जियों पर चिपकी गंदगी और बैक्टीरिया साफ करने में फिटकरी के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 20, अक्सर जब आप कुकर में आलू डालते हैं तो उबालने के बाद कुकर काले हो जाते हैं और फिर उसे कितना भी रगड़ कर साफ करें तो वह एक बार में साफ नहीं होता है। इसके लिए आप आलू डालते समय उसमें थोड़ा सा नमक और आधा नींबू का टुकड़ा डालकर सीटी लगा सकते हैं। कुकर भी काला नहीं पड़ेगा और आलू का छिलका भी आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।